हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको कन्या राशि के जो जातक हैं यानी वर्गो जिनका जोडिक साइन है उनको मैं 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का कैसा जाने वाला है उनका समय, कैसा उनका जो है वो ये 15 डेज कैसे उनके बीतेंगे, तो मैं अपने कार्ड से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे बताएँ कि जो कन्या राशि के जो जातक हैं उनका कैसा जाएगा समय, ये 15 दिन कैसे जाएंगे जो वर्गो राशि के हैं, 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा। मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मुझे बताएं कि 15 डेज का समय है, 1 नवंबर से 16 नवंबर तक का समय ये कैसा जाएगा, ये 15 दिन कन्या राशि के जो जातक हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं वर्गो जिनकी राशि है उनका फर्स्ट कार्ड मून का आया है, दैट मीन्स कि उनको अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग रहेंगे, अच्छी उनकी समय उनका अच्छा बीतेगा। इमोशनली लगता है कि हर काम में उनका इमोशन जो है वो इंटरप्ट करेगा कि मुझे, हो सकता है आप दिल से काम ले, इमोशनली आप चीज़ों को करेंगे। ये कार्ड बहुत ही डोमिनेंट कार्ड आया है, तो ऑफिस में भी चाहे फैमिली में हो कहीं भी हो आप इमोशनल रहेंगे, इमोशनल होकर काम करेंगे और ये आपके ऊपर हावी रहेगा ये 15 दिन का जो ये नेचर है इमोशनली जो आपके लिए कार्ड आया है। सेकंड कार्ड आया है न्यू बिगनिंग का, दैट मीन्स आप कुछ सोचेंगे कि नया काम हम करें जिससे कि जो है वो मेरा बिजनेस चल जाए या मैं कंपनी में कहीं अप्लाई कर दूँ तो मैं नया कोई, हो सकता है कि कहीं नौकरी के लिए या आप हो सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ नया सोच रहे हो, तो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। ये एक अच्छा कार्ड है और आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आप खुद भी बहुत ही ब्रिलियंट, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, आप खुद अपने आप जो है आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद प्लान करिए, खुद मैनेज करिए, आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ पे जो अगला कार्ड आया है आप गॉसिपिंग का शिकार हो सकते हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए आपको अच्छा है कि आप अपना खुद काम करें, आप अपना खुद की इंट्यूशन से काम करें, खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें और खुद अपने जो है कंपटीशन की तैयारी करें, किसी और से हेल्प ना लें क्योंकि हो सकता है कि गॉसिपिंग का आप शिकार हो सकते हैं पंचायत, क्योंकि पीठ पीछे कुछ और कुछ लोग बोलेंगे और आपके सामने कुछ और, तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। और नेक्स्ट कार्ड आपका आया है कि आप नॉलेज को जो है वो बांटेंगे आपस में, आप खुद अगर टीचर हैं या कंपनी में हो सकता है आप इंस्ट्रक्शंस दें और अपने जो कलीग्स हैं जो जूनियर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं अगर आप पढ़ाते हैं कहीं तो आप उनको नॉलेज देंगे। अगर आप खुद एक फीमेल हैं घर में रहती हैं तो हो सकता है कि आपका खुद पढ़ाई में आपका मन लगे और औरों अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, या हो सकता है कि मदर और फादर के संग आपका समय अच्छा बीते तो दूसरों को आप नॉलेज देते नज़र आएंगे और आप खुद एक बहुत ही लोगों को जो है वो लोग आपको एक नॉलेजेबल पर्सन के रूप में आपको देखेंगे, ऐसा कार्ड इसमें बताता है। और ये कार्ड आपका आया है, हो सकता है कि कहीं आपको बहुत प्यार मिलेगा अपनों से, ये अगर ये चीज़ अगर आप करते हैं खुद से पढ़ेंगे, खुद से तैयारी करेंगे, खुद से प्लानिंग करेंगे, खुद से अपनी नॉलेज किताबें, हो सकता है किताबें पढ़ें इस वक्त आप, तो चीज़ों को आप अच्छे से जो है संभाल पाएंगे, लोगों से आपको एटमॉस्फेयर में लव दिखेगा, प्यार मिलेगा, हो सकता है कि आप फेमस भी हो जाएं, हो सकता है कि फेम का भी कार्ड होता है क्योंकि ये तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप चाहें इस वक्त आपके दिमाग में चलेगा कि मैं वर्ल्ड में फेमस हो जाऊं या इस तरह से मैं नॉलेज बांटूं, इस तरह से करूं, इस तरह का ये कार्ड आया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये कार्ड्स जो है वो मैसेज समझ में आया होगा, रिलेट करे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।